कैमजो मजामा भाई लोग, ये कहानी है गरीब माँ के लाडले की। उस माँ की दुआ थी, खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है। हाथों की लकीरों को मिटा कर भी नहीं रुक सकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। और वो बना की मुंबई का सबसे बड़ा डॉन। उसने ना बंदूक उठाई ना तलवार, फिर भी अक्की मुंबई उसे सलाम ठोकती थी। वो एक हिस्ट्री बन चुका है कि उसके जैसा डॉन आज तक कोई नहीं बन पाया। भाई लोग 30 का वह दशक था, अक्के हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जुल्म और बर्बरता के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी लग चुकी थी। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग गरीबी में जी रहे थे। वो इस दौर में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पेनाकुलम में एक मुस्लिम परिवार रहता था। रहने को एक टूटा फूटा घर था, परिवार के सदस्य ज्यादा थे तो कई बार माँ बाप को भूखे पेट सोना पड़ता था। कुछ पैसा कमाने के वास्ते उस मुस्लिम परिवार से पिता हैदर मिर्जा मुंबई चले आते हैं। साथ में उसका 8 साल का बेटा भी था। हैदर मिर्जा का 8 साल का छोकरा मुंबई में डॉक पर एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पे काम पे लग गया। वहां से गुजरती हुई हाई क्लास गाड़ियां और रईस लोगों को देख 8 साल के लड़के ने भी मन बना लिया था, अपन भी एक दिन अमीर आदमी बनेगा। फिर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वह डॉक पर कुली बना, जहां उसकी यारी होएली एक अरब तस्कर से। एक दिन पुलिस उसके पीछे लगी थी, उसके हाथ में एक बक्सा था। उसने उस बक्से को उस लड़के के हाथ में दे दिया, बोला कि इसको छिपा देने का बिड़ो। जब वो जेल से लौटा, उस लड़के के पास जा पहुंचा, बक्सा मांगा, देखा तो उस लड़के ने बक्से को छुआ तक नहीं था। वो बक्सा अक्के अक्का सोने से भरा था। अरब तस्कर इस छोकरे की खुददारी पर फिदा हो गया और बाद में सोने की स्मगलिंग में उसे पार्टनर बनाया। भाई लोग 8 साल की उम्र में तमिलनाडु से आया, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पे काम पे लग गया, डॉक पर कुली बना और आज बन गया मुंबई का रईस आदमी। वह कौन था पता है? उसे कहते हैं मुंबई का सुल्तान मिर्जा, बोले तो मुंबई का डॉन हाजी मस्तान। इधर देश आजाद हो चुका था, 60 का दशक भी शुरू हो चुका था और वो इस दौर में गुजरात के तट से लेकर मुंबई डॉक तक हाजी मस्तान की हुकूमत कायम हो चुकी थी। उसका सबसे बड़ा धंधा था गोल्ड की स्मगलिंग। उसने स्मगलिंग का एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर दिया था। उसके सिंडिकेट की जड़ें अक्के हिंदुस्तान में फैली थी। अरब देशों से आया सोना मुंबई डॉक पर उतरता और फिर वहां से अक्के हिंदुस्तान में सप्लाई होता। समय के साथ हाजी मस्तान का रुतबा, पैसा, पावर अक्की बम्बई में तांडव मचाने लगा था। भाई लोग, मस्तान मिर्जा का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मस्तान मुंबई के मजगांव डॉक पर कुली का काम किया करता, तब वहाँ शेरखान पठान नाम का एक गुंडा हफ्ता वसूली करने आया करता। इधर मस्तान उसकी लुकागिरी को रोज देखता। एक दिन शेरखान से भिड़ने का मन बना लिया। शेरखान अपने 5-6 पंटरों के साथ आया, सारे कुलियों को लाइन में खड़ा कर वसूली करने लगा। वो इसी टाइम पे मस्तान अपने 5-6 छोकरे लोग के साथ आया और शेरखान पठान और उसके पंडरों को मार मार के खजूर बना डाला। बस यहीं से मस्तान बन गया मजगांव डॉक का लीजेंड। इस सीन को अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म में दर्शाया गया था। भाई लोग, मस्तान का रुतबा ऐसा था कि वो जहां जाता लोगों की भीड़ लग जाती थी। वो गैंगस्टर था, डॉन था, स्मगलर था, फिर भी उसने बेसुमार मोहब्बत कमाई थी। अब मस्तान को एक बड़ी गैंग और तगड़े तगड़े लोगों की जरूरत थी, तो उसने करीम लाला और वर्धा भाई के साथ सेटिंग की। ये दोनों भी मुंबई के डॉन ही थे। मस्तान ने इन लोगों के साथ हाथ मिलाया, जिसकी बदौलत मस्तान को कभी हथियार की जरूरत ना पड़ी। इधर वर्धा भाई करीम लाला और मस्तान की त्रिपुटी अक्की बम्बई में मिल बांट कर राज करती थी। मगर मस्तान जैसा माइंड किसी के पास न था। पुलिस से लेकर बड़े बड़े नेता लोग को मस्तान सोने का बिस्कुट फेंकता था, और यही वजह है कि उसका अक्का सिंडिकेट बुलेट ट्रेन माफिक एकदम इच फायर स्टाइल में चलता था। सोने की तस्करी के बाद उसने बॉलीवुड में पैसा लगाया। उसे फिल्मी दुनिया की शान शौकत खूब पसंद थी, जिसके चलते अपनी एक बीबी शाहजहां बेगम के होते हुए बॉलीवुड हीरोइन सोना के साथ शादी की। मस्तान का एक बेटा भी है सुंदर शेखर, और बेटी है शमजाद सुपारी वाला।
बॉलीवुड के बाद मस्तान ने रियल एस्टेट में पैसा लगाया, यानी मस्तान एक व्यापारी भी था। देश में जब इमरजेंसी का माहौल था तब इंदिरा गांधी ने मुंबई के बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दिया। मस्तान भी जेल गया, वहां उसकी मुलाकात जेपी से हुई। मस्तान ने जेपी के साथ राजनीति में उतरना चाहा, दलित मुस्लिम संगठन बनाया, मगर राजनीति में पैर जम नहीं पाए। एक वक्त आया जब वह तस्करी छोड़ रहा था, साथ में माफिया गिरी से भी पीछे हट रहा था। ये वो वक्त था जब वर्धा भाई वापिस दक्षिण भारत लौट चुका था, करीम लाला और पठान गैंग का खेल खत्म हो चुका था और दाऊद का सूरज चढ़ने लगा था। मस्तान का पैसा राजनीति और बॉलीवुड में खत्म हो चुका था, वहीं दाऊद की गैंग ने उसका प्रभुत्व भी खलास कर दिया था। और इस तरह 25 जून 1994 को अपनी जन्मभूमि तमिलनाडु में मस्तान हार्ट अटैक से दुनिया को अलविदा कर गया। मगर भाई लोग, 555 नंबर की सिगरेट पीने वाले मस्तान पर कभी किसी भी अदालत में कोई भी गुनाह साबित नहीं हुएला। तो भाई लोग, इसे बोलते हैं असली डॉन। चलो, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।